हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि अब सूर्य ग्रहण जो है चल रहा है, इसकी अवधि कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं ताकि आप पहले से समझ लें कि जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो आपको क्या उपाय करने हैं, खास करके गर्भवती महिलाओं को क्या 4 से 5 काम करने हैं जिससे उन्हें जो सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव होगा, सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी दुष्प्रभाव होंगे सूर्य ग्रहण के, वो उनसे उतर जाएंगे और उनके घर में पल रहा बच्चा और वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए तो वह महिलाएं वह काम जरूर कर लें। ये आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही सही माना जाएगा और आप पूरी तरह से 100% सुरक्षित रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप स्पोर्ट डक्स चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण, सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण समाप्त कब होगा। तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण जो है पूरी तरह से 6:26 पर पूरे भारत से जो है समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण खत्म होते ही सबसे पहले आपको नहाना है, पानी में आपको गंगा जल डालना है। सबसे पहला उपाय आपको गंगा जल पीना है और गंगा जल जिस पानी में आप नहा रहे हैं उसमें गंगा जल डाल दें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप मानसिक रूप से गंगा जल जो है गंगा माता की तरफ जो है ध्यान करें, गंगा नदी की तरफ ध्यान करें और फिर नहाएं। और साथ ही साथ नहाने के बाद जो आपके बस्त्र थे, नहाने से पहले उनको वॉश कर लें और नए बस्त्र पहने, नए वस्त्र पहनकर उसके बाद घर पर भी गंगा जल का छिड़काव कर दें। घर पर सेंधा नमक डालकर पानी में उससे पोछा लगाएं पूरे घर पे और पूरे घर पे छिड़काव करें गंगा जल का। और जो मंदिर है आपका उसको भी अच्छे से साफ कर लें, पानी से अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद वहां पर साफ सफाई करके और वहां पर धूप दीप करें, पूजा पाठ करें। और साथ ही साथ फ्रेंड, दूसरा जो उपाय, आपने नारियल और काला धागा, अगर आपके आपने मेरी वीडियोज देखी होंगी, अगर आपने वो अपने पास रखा था तो वो जो नारियल और काला धागा है उसका आपने चलते पानी में, अगर आसपास कोई नदी है वहां पर विसर्जन कर दे, अगर नदी नहीं है तो आसपास के मंदिर में जाकर वहां पर दे दे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकती हैं। ऐसा करने से ग्रहण की जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर आई होगी वो आपसे निकल जाएगी और आप पूरी तरह से जो है ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जा से आप बच जाएंगी। और फ्रेंड, जो भी अगर बाई चांस आपके घर पर कोई खाना पानी ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें आपने तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं, जो ग्रहण के समय खाना था वो पड़ा हुआ है अंदर, तो आपको उस खाने का सेवन नहीं करना है, आपको खुद से नहीं करना है और ना ही किसी को देना है। तो आप जीव जंतु को दे सकते हैं लेकिन खुद मत खाएं उस खाने को, और फिर फ्रेश बनाकर ही खाएं, फ्रेश पानी भरे, फ्रेश खाना बनाएं जो बना हुआ खाना पानी है, क्योंकि उन नियम और सावधानियां का करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर जो पड़ा हुआ खाना आप खा लेंगी। इसलिए अगर आपने तुलसी के पत्ते भी डाले हैं तो भी मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको फ्रेश बनाकर ही खाना चाहिए, सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उस पर ना हो, इससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर नुकसान हो सकता है। इसलिए खाना जो है वो फ्रेश बनाकर खाएं। तो ये कुछ उपाय करके आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकती हैं और उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें ताकि आपको जो गर्भ में पल रहा बच्चा है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।